रंजीत भाई, आप आपसे मैं चंद सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं डोडा के सोशल वर्कर हूँ। देसी बॉयज़ की वॉइस मेरा चैनल है। सबसे पहले आज मैं वक्त ना लेते हुए सबसे पहले ये लोगों पर आप कैमरा लगाएं। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। डीसी साहब से मेरा एक निवेदन है कि सब में एक एक छाता बांटा जाए, क्योंकि बारिश की कहर तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन छाता बांटना आपकी मर्जी। आप एक हमारे अन्नदाता हैं यहाँ पर, डिप्टी कमिश्नर जी, आप एक एक छाता अपने गरीबों में बांट लीजिए प्लीज़। और उसके बाद जहाँ से कोरोना वायरस की मारामारी है, मास्क लगा के चलो, काम मत करो, ये मत करो। हैं, आपको पता है डोडा में नाइट में ही काम चलता था 10 बजे के बाद, और 10 बजे के बाद ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया। दिन में तो इधर कोई होता नहीं है, समझ रहे हैं आप इस बात को? आप देखो बेचारों को छाता भी नहीं है, कपल भीग रहे हैं, है वो लड़की देखो, वो लड़का देखो, किस तरह से चलेंगे ये बारिश में। सही बात। तो कहीं ना कहीं ये जो आजकल की सरकार है, इसकी गलती है, ऊपर वाला नाराज़ है इनसे, और उनकी चक्की में हम भी पिस रहे हैं सर। हम तो ना कनक हैं ना गुंडम हैं, फिर भी हम पिस रहे हैं सर। बिल्कुल। तो सब यही निवेदन है, पुलिस वाले की गाड़ी अभी आ गई, माइक में बोल के क्या बारिश रुक जाएगी? इनके लिए क्या बोलोगे सर? और सर, और आप पूछिए मुझसे, कुछ और पूछिए। अब क्या पूछूँ, आपने इतना ज़्यादा कह दिया तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं। तो सर मौजा, अभी देखो, अभी हमारे यहाँ पर बारिश, अभी फसल की खेतीबाड़ी का टाइम था, वक्त था, ना वो हो पा रही है, ना कोरोना वायरस कोई काम करने दे रहा है। मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे थे सर, दोनों के एडमिशन कराई, फिर स्कूल बंद हुए, अब हर महीने फीस भरता हूँ सर। कौन माफ़ करेगा? करेगा कोई माफ़? तो प्राइवेट स्कूल वाले आपसे क्या है, इसकी भी वो फीस ले लेंगे। और क्या, और क्या, स्कूल बंद रहेंगे, फीस लेंगे वो, क्यों नहीं लेंगे? बारिश की वजह से स्कूल बंद होता तो चलो हम मानते, ये तो कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है। ना हम में छाते बांट रहा है कोई, ना जैकेट बांट रहा है। ये देखो मेरा छोटा भाई सर, लगाओ कैमरा, सुबह जैकेट के बिना आ गया डोडा, धूप थी, अभी इसको जैकेट नहीं है, यहाँ पर बैठा है, बोलता मुझे जैकेट दे दो, पैसे है नहीं जेब में, कहाँ से जैकेट दे दूँ इसको, बोलो सोचो। हमारी सरकार का फर्ज बनता है गरीबों में एक एक जैकेट, एक एक छाता और एक एक लॉन्ग शूज़ बांटे। मैंने तो अपना खेला है, वो तो जून में बांटेंगे ना आपको, एक एक स्वेटर और एक। नहीं सर, क्या बात, जून बन गया अगस्त और अगस्त बन गया जून, अगस्त में देखी थी कितनी गर्मी थी, आप सोच नहीं रह सकते हैं, दिसंबर में गर्मी थी, अभी तो ये जून जुलाई में देखो क्या हालत है, अप्रैल में ठंड है, और यहाँ से बिजली भी महंगी हो गई, हम रूम हीटर भी नहीं लगा सकते। रजाई हमने धो दी थी सर, अब उसको भी ओढ़ नहीं सकते, हम पैक कर दी थी अंदर, घर वाले बोलते हैं रजाई मत ओढ़ो, मैली हो जाएगी फिर से, क्या करेंगे हम? ये बारिश का सब जो है ना सिस्टम, ये अपनी सरकार का, ऊपर वाले की गलती नहीं है।